अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ऐसे ही हिंदी में भी कहा जाता है कि आपदा में ही अवसर मिलते हैं, बस जरूरत है तो उस तरह का जज्बा रखने की, जैसा धार के उद्योगपति अजीज खान ने रखा। किसी मरीज के रिश्तेदारों से एम्बुलेंस मालिक द्वारा 10,000 रुपए की राशि वसूले जाने का बिल उनके हाथ लगा और तब उन्हें लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में कोई खर्च ना आए, वो भी कोरोना महामारी के इस भयंकर दौर में। इस सब विचार के बीच उन्होंने इंटरनेट पर यह खोजा कि एम्बुलेंस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और फिर एक साधारण से प्लेटफॉर्म पर मोटरसाइकिल के दो पहिए लगाकर एक ऐसी एम्बुलेंस बना दी जिसमें मरीज के साथ दो लोगों की जगह है, साथ ही आईवी लाइन स्टैंड और एक मेडिसिन बॉक्स भी है जिसमें जरूरत की सारी दवाइयां होती हैं। गंभीर मरीजों को, खासकर कोरोना मरीजों को ध्यान में रखकर 25 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर भी इसमें लगाया गया है, जिससे अस्पताल पहुंचने तक किसी की सांस ना उखड़ जाए। इसके बारे में बोलते हुए अजीज भाई ने बताया, सोशल मीडिया में कुछ ऐसी खबरें आई थी कि 3 किलोमीटर के किसी एम्बुलेंस सर्विसेज वाले ने 10,000 रुपये ले लिए, या एक कोरोना संक्रमित लाश को एक बुजुर्ग आदमी अपनी साइकिल पर ढोके ले जा रहा है। उज्जैन की एक घटना हुई जिसमें एक ठेले में एक मरीज, महिला मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ले जाया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो लगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कम खर्चे में और समय पे मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसलिए इस एम्बुलेंस ट्रॉली का, इसको एम्बुलेंस ट्रॉली कहूँगा मैं, इसका मेरे दिमाग में ख्याल आया और उसके बाद मैंने बनाई। इसको बनाने में चूंकि ये कबाड़ से बनी है, अभी इसका ओरिजिनल वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, सामान बाजार से ख़रीदा तो है नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है 40 से 50 हज़ार रुपये इसकी कीमत आनी चाहिए। और जो नॉर्मल एम्बुलेंसेज हैं जो 10 लाख 14 लाख 15 लाख की आती है, उस कीमत में ये लगभग 20 से 25 एम्बुलेंसेज आ सकती हैं। देखिए, वो 4 पहिया एम्बुलेंस वो भी एक ही आदमी को ले जाती है 3 अटेंडेंट के साथ, इसमें घर वाला खुद अटेंडेंट है, प्लस वो सारी सुविधाएं इसमें हैं, और आदमी अपनी बाइक से हॉस्पिटल लेके जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि कम खर्चे में हम ज़्यादा लोगों को सेवा दे सकते हैं इस टाइप के छोटे छोटे उपकरणों से। दूसरी बात यह कि संसाधन तो सीमित हैं और मरीज जो हैं वो काफ़ी संख्या में आ रहे हैं, 10-15 दिन बाद स्थितियाँ सुधरेंगी, लेकिन हाल फिलहाल में तो काफ़ी मरीज आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा तथ्य ये है कि संक्रमित लाश या संक्रमित जो बॉडी होती है, कोविड के बाद में कैजुअल्टी हो जाती है, तो संक्रमित बॉडी के लिए उसको शमशान घाट ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कोई अपनी गाड़ी नहीं रहता। एम्बुलेंस जिंदा लोगों के लिए, पहले कोशिश की जाएगी कि जिंदा लोगों की जान बचाई जाए, तो इसके लिए ये काम में आ सकती है, ताकि इसको जो अटेंडेंट है या परिजन है खुद ही अपनी बाइक से टोचन करके शमशान घाट तक ले जा सके। मेरा ये सबसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से भी और जो प्रशासकीय अधिकारी हैं कि ये इस टाइप की सुविधा शहरों में नहीं, गांव में मंजरे टोले तक, ग्राम पंचायतों तक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक अगर ये सुविधा वहाँ मौजूद रहे तो लोगों को ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि एम्बुलेंस का शहर से उस गांव में जाने का समय भी बचेगा और मरीज़ की हेल्प भी हो पाएगी। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है जो लगभग 3 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई दे सकता है, ड्रिप है और जीवन रक्षक दवाएं जो भी जरूरी होती है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।